जय भोलेनाथ की। तो आज हम जो है एक नया वीडियो शूट करने वाले हैं जो कि हमारी हिमालयन बाइक के ऊपर है, और ये है होने वाला है हमारा रियर जो टायर है और फ्रंट जो टायर है उसके लिए, क्योंकि अभी हम एक हाल में 9 जून को एक राइड करने वाले हैं जो किलाड़ किश्तवाड़ रोड पे होगी। इस बार हो सकता है हम जो है सोलो ही राइड करें, तो इसलिए हम जो है दोबारा, लास्ट टाइम भी हमने जो है टायर्स अपने जो है चेंज करे थे, आगे पीछे के दोनों खोले थे और दोबारा उनको जो है लगा के देखा था। तो एक बार फिर हम जो है अपने दोनों टायर जो है आगे पीछे के खोलेंगे और इनको जो है दोबारा असेंबल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार हम जो है सोलो राइड जो है कर रहे हैं। तो ये हमारी बाइक है और ये आप कुछ देख सकते हो, ये पार्क है, ये मेरे घर के पास पार्क है, उसके अंदर मैंने ये लगाई है अपनी बाइक हिमालयन आकर्षित। मैंने अपनी बाइक का नाम जो है आकर्षित रख रखा है, जैसे कि आपने इतनी रख रखा है। फिलहाल आज हमारा जो मेन काम होगा एक ये रियर का टायर, इसको चेंज करना है, प्लस एक ये वाला टायर भी हमें चेंज करना है, दोबारा जो है असेंबल करना है। तो ये हमारी बाइक खड़ी और आपको कोशिश करते हैं हम जो है इसमें हम कैसे खोलेंगे, कैसे और पार्ट्स कैसे खोलने और कैसे लगाने, ये भी हम कोशिश करेंगे आपको साथ के साथ जो है दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल चलते हैं हम आगे, अपने इस काम को जो है जल्द से जल्द करते हैं, क्योंकि गर्मी भी काफ़ी हो रही है। तो चलो मिलते हैं, जय भोलेनाथ। तो सबसे पहले तो हमने ये अपनी टपारे की किट निकाल दी और इसमें से हम ये लेंगे और इनमें से कौन सी जो है एलंकी वगैरह लगेगी वो भी हम दिखाएंगे। और सबसे पहले हमें जो है ये वाला जो पार्ट है ये रिमूव करना होगा, और इसको मैं लगा के नहीं जाऊंगा, वैसे तो इस सेफ्टी है, सेफ ही रहता है। इसमें क्या होता है कि अपना जो है टायर्स में जो कपड़ा वगैरह या सैडल बैग वगैरह हमारे जो है और जो कपड़े हैं वो नहीं फंसते इससे। तो वाला फ्लैप रहेगा चैन कवर जो है, इसको मैं वापस लगाऊंगा। फ़िलहाल सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट्स अभी उतारता हूँ। तो ये मैंने अपने बोल्ट खोल लिए और इसके आगे का फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका फर्स्ट हो गया आपका बाइक का चेन कवर का लाल, और खोलते हैं हमारा। तो भैया बाइक के अंदर एक टूल किट आती है जो कि यहाँ पर रखी होती है, और यहाँ से इसका जो है आप चाबी से खोल सकते हैं इसको। इस टूल किट में जो है आपका कुछ बाइक के पार्ट्स होते हैं जो कि टायर को खोलने में मदद करते हैं, रियर वाले और फ्रंट दोनों। तो फिलहाल अभी मैं जो है दोनों को खोल के दिखाऊंगा कि हम कैसे खोल सकते हैं। और हमें जो है एक ये मैंने रिंच लिया है, इस रिंच को मैं लेके जाऊँगा साथ में, और ये वाला जो आप बोल्ट देख रहे हैं इसको मुझे अभी जो है रिमूव करना है, इसको निकालना है, और इसको फिर मैं जो ये आपकी डिस्क प्लेट है इसको पैड वगैरह को मैं ऊपर कर दूंगा। और इसको एक रॉड होती है जो कि टूल किट में है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसको मैं इस तरफ लगाऊंगा जो कि इसको ये जब मैं इसको मूव करूंगा तो वहाँ से जो है फ्री ना हो, दोनों तरफ से थोड़ा सा मुझे पकड़ना पड़ेगा। तो फिलहाल तो ये हमारे कुछ टूल किट निकली है जो कि बाइक के अंदर आती है, और ये वाली जो चाबी है ये यहाँ पर भी लग सकती है। तो वैसे तो मैंने एक्स्ट्रा अपना रिंच ले लिया, ये इसका ये हो गया एक पार्ट। और दूसरा जो मैं आपको एक और बता रहा था वो आपका एक छोटी सी रॉड है जो कि मैं इसमें या पेचकस में जो है फंसा के, ये आप पेचकस देख ही सकते हैं, इसको मैं इस तरीके से डालूँगा और इसको
यहाँ पर पुश कर दूँगा इसको ग्रिप बनाने के लिए, जिससे कि मेरा पहिया आराम से खुल जाए। तो फिलहाल मैं अभी इस पहिए को खोलता हूँ और मैं जो चैन सेट कवर खोल लिया था उस तरफ से। और फिलहाल अभी हम जो है ये आपका कोई बात, ये हमारा जो दिख रहा है इसका बोल्ट, इसको हम निकाल रहे हैं और हम इस पर कोशिश करेंगे ऐसे चोट ना मारे जिससे कि हमारा ये जो बोल्ट है इसकी चूड़ी ख़राब हो जाए। इसको ले लेते हैं और जो है धीरे से हम इसको पुश करके तो हम जो है दूसरी तरफ निकाल लेते हैं। और ये बड़ा इजी है, ये इधर से आप जो है और उस तरफ से हमने धक्का दे ही दिया है। और फिलहाल भैया मैं अकेला हूँ तो टायर को थोड़ा सा एडजस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत तो होगा, तो कोई बात नहीं, मैं आपका जो ये वीडियो है इसको कोशिश करूँगा कि अब, लेकिन इसको निकालने के लिए थोड़ा सा टायर अगर आप उठाएंगे तो इसको हम जो है घुमा घुमा के आराम से इसको आराम से हम निकाल सकते। तो ये हमने फाइनली निकाल दिया अपना टायर और इसको हमें जो है ऊपर करके ब्रेक है जो हमारा ये, इसको हम उनसे आपका ये रबड़ निकालना, तो ये हम रबड़ निकालना है जो अपना चैन सेट हम पूरा निकाल के दिखाएंगे आपको, क्योंकि अगर पूरा नहीं निकलेगा तो फिर कैसे पिक्चर लगेगी। लेकिन मैं आपको जो आगे ये दिखाऊंगा। तो ये पहिया अभी बाहर आ गया है, तो इसमें वैसे तो ज़्यादा समय नहीं लगा, 10 मिनट का समय लगा, तो हम काफ़ी टाइम बात कर रहे हैं तो इस चक्कर में हमें थोड़ा सा 10-15 मिनट लग गए, थोड़ा हमने भी समझा ऐसे नहीं है। तो फिलहाल अभी हम जो है इसको इसकी हवा निकालेंगे और फिर हम कोशिश करेंगे इसको जो है दोबारा इसमें वापस डालने के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया था आपको, हम जो है सोलो राइड करने वाले हैं और उसके बाद देखते हैं कि हम इसको कितनी देर में जो है फिट कर पाते हैं। तो 10-15 मिनट हमें लग गए थोड़ा सा, क्योंकि हमने भी समझा काफ़ी, एक साल पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी तब भी इसी तरीके से बनाई थी, तो उसके बाद मैं अब फिर दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलो ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ और साथ में जो है इसकी हवा निकाल के दोबारा जो है इसको भर के दिखाता हूँ। चलिए, जो कि ये है और उससे मैं बाइक की हवा निकालूँगा और साथ के साथ देखते हैं, क्योंकि हमें जो है अकेले इस बार राइड करना है तो सब चीज़ आना चाहिए ऐसे। तो ये काम हमारे लिए थोड़ा टफ होने वाला है, क्योंकि हमारी बाइक का जो टायर है ये फर्स्ट टाइम हम जो है इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे लिए तो काफ़ी टफ है, तो देखते हैं कितना समय लगता है। भाई साहब हमें 5 मिनट नहीं लगे वैसे तो, थोड़ा सा अब आसानी से हमारा जो टायर है ये आप देख ही सकते हैं जो है
हमारा प्रॉपर खुल गया है। तो मेन मकसद यही था कि हम जो है अपना टायर को कैसे खोलेंगे और इसको कैसे लगाएंगे। फिलहाल हमने जो अपना टायर खोल लिया है, ये अब हम अपनी ट्यूब को हमने जो है आराम से निकाल लिया है। तो ये हमारी ट्यूब है और इसको अब हम जो है दोबारा फिट करेंगे इसके अंदर और फिर हवा भरेंगे। तो फिलहाल हमारा जो पहला मिशन था वो पूरा हो गया कि हमने अपनी बाइक की ट्यूब निकाली है और इसको हम जो है इस चीज़ में सक्सेसफुल हो गए। तो अभी फ़िलहाल जो है मैं इसको दोबारा अंदर डालता हूँ ट्यूब को और फिर इसको जो है फिट करना भी एक बड़ा टास्क होने वाला है। तो ये वीडियो ज़रूर आप पूरी देखना, क्योंकि कोई भी जो है इसके ऊपर जितनी भी वीडियो बनी है ज़्यादातर आपको जो है बारीकी से कोई नहीं दिखाता। तो फिलहाल मैंने अपना एक छोटा सा इस पर वीडियो बनाया जो कि आपके लिए है और मेरे लिए भी है, क्योंकि मैं राइड पे जाने वाला हूँ तो ये मेरे लिए भी बेनिफिट होने वाला है, इसकी भी मुझे नॉलेज होनी चाहिए। तो भाई ट्यूब हमने अब अंदर डाल दिया और देख रहे हैं अब हम जो है इसको अंदर डाल रहे हैं। लेकिन लो भाई फाइनली हमारा टायर फिट। अरे भाई आधा घंटा यहाँ लग गया क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम खोला था और अब हमें अगली बार जब भी हम खोलेंगे तो अब हमें इतना समय नहीं लगेगा, क्यों हमें मोटा मोटा आइडिया हो गया कि इसको फिट कैसे करना है, निकालना कैसे। तो अगर आप भी ये वीडियो देखेंगे तो आपको भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा और मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी सोलो राइड करें चाहे ग्रुप के साथ राइड करें तो ये ज़रूर ज़रूर सीख लें, क्योंकि लद्दाख जैसे रीजन में आपको पंचर वाले काफ़ी कम मिलेंगे और उसमें आपको अपना ही जो एफर्ट है ज़्यादा मारना पड़ेगा। तो फिलहाल अब हम जो है हवा भरते हैं और अपने बाइक को बाइक में जो है टायर को फिट करते हैं। चल मिलते हैं आपको थोड़ी देर में दोबारा। तो भैया अभी हम जो है अपनी बाइक में जो पीछे वाला टायर है उसमें हवा भर रहे हैं। हमारी मशीन थोड़ी सी जो है ये वाली दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वाली ख़राब हो गई थी तो इसका फ्यूज जुड़ गया था, इसको अभी हमने पहले रिपेयर कराया, उसके बाद हम जो है हवा भरने के लिए इसमें हवा भर रहे हैं। तो अभी फिलहाल देख सकते हो 13 PSI हो गया और हमारा जो हिमालयन का बाइक है इसमें हम जो है 35 PSI करेंगे बैक साइड में और फ्रंट में 26, 27 या 28 जो भी होता है उसको करेंगे। तो एक बार हवा भर ले फिर हम आपको जो है फिट करके दिखाते हैं कि हमारी बाइक में रियर जो टायर है कैसे हम इसको फिट करेंगे। पहले हम जो है ये अपना ये हमारा हिस्सा है इसको लगा लेते हैं और उसके बाद फिर हम इस चैन को जो आगे सेट करेंगे। तो ये फ़िलहाल ऐसे क्योंकि चैन एक साथ तो होगी नहीं, चैन को फिर हम जो है दोबारा इसमें सेट कर लेंगे। तो है आपका चैन का है कि हम चैन को किस तरीके से हम सेट करेंगे इसको। फिलहाल हमारे हाथ तो बहुत गंदे हो गए और हम अपनी चैन को भी सेट कर रहे हैं। ये हमारा चैन भी सेट हो गई, ठीक है जी। और अब हमारा जो नेक्स्ट है पॉइंट आप ये देखिए, इधर देखो ये एक जो बोल्ट है ये हमें इधर आ भाई इधर दिखा, ये हमें जो एक बोल्ट है ये हम जो है इसके अंदर डालेंगे। ये आप देखो यहाँ पर ये आपका जो व्हील है इसके अंदर इस तरीके से हम फिट करेंगे और इसका जो सिरा बाहर होगा और इसके बाद
हमारा जो नेक्स्ट है ये रॉड है, आपको ये दिख ही रही होगी। इस रॉड को हम जो है इसमें वापस डालेंगे, तो जैसे हमने पहले जिस तरीके से निकाली थी उसी तरीके से हम इसको डालेंगे। तो बिल्कुल इधर दिखाओ एक मिनट आगे, ये हमने जो हमने मारा था इस पे ये आ गया इसके अंदर, और इसको हमें इसके अंदर घुसेड़ना है, दोबारा डालना है। तो जैसा कि हमने पहले ये निकाला था तो सेम उसी तरीके से हमने जो है इसको वापस जो है लगा दिया। टायर फिट होने के बाद ये हमें जो है आपका ब्रेक लीवर भी लगाना पड़ता है, और वो जो रॉड आपको मैंने दिखाई थी उसमें ये इसको एडजस्ट करना पड़ता है, और दूसरी तरफ ये रॉड हर की तरफ। तो ये भी इसका एक पॉइंट है और वॉइस हमारी, इसलिए हम यहाँ पर आपको वॉइस ओवर कर। अभी हमने जो है ये इस रोड में से निकाल दिया है, और फिलहाल अब हम इसको जो है कस रहे हैं, और इसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेक को भी कसेंगे। थोड़ा सा दो चार चीज़ और हमें अभी नहीं पता लगी है कि अगर हमारी एक दो चीज़ हमारे पैड निकल जाए तो उसको भी कैसे फिट करना है। अभी फ़िलहाल हम जो है इसको लगा रहे हैं, और ये हमारा हो गया फिट, ये वायर फिट हो गई, और अभी फ़िलहाल हम जो है इसको कस रहे हैं। ये खोलना पड़ेगा, साथ में यहाँ पर एक ये आप देख सकते हैं ये एक एलंकी है, ये वाली जो आपको दिख रही है, इसका जो स्क्रू है वो नीचे की तरफ से आपको मैं दिखा देता हूँ, आपने देख लिया होगा। तो ये नट दो बोल्ट खोलने हैं मुझे, और ये जैसे मैं इसको हल्का सा लूज़ करूँगा ये थोड़ा सा खुल जाएगा, और ये ईज़िली जो है फिर बाहर की तरफ निकल जाएगा। एक ये खोलना है हमें, प्लस हमें जो है अपना जो है ब्रेक है इसको भी लूज़ करना पड़ेगा, और इसको भी मुझे लूज़ करके निकालना पड़ेगा ऊपर की तरह, तभी ये जो है हमारा जो व्हील निकलेगा। तो इसको भी एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पीछे वाले में लगा था क्योंकि जो हमारा पीछे वाला व्हील था मुझे अलग ही चाहिए, शायद ये वाली होगी या फिर दूसरी होगी, अभी मैं चेक कर लेता हूँ, शायद दूसरी है और मेरे पास रखी है। फिलहाल मैं इसको जो है पहले यहाँ से यूज़ करता हूँ। तो फिलहाल मैं इसको जो है यहाँ से लूज़ करने वाला हूँ, और ये बड़ा टाइट है यहाँ पर भी, तो देखते हैं इसको हम, इसमें तो मुझे लग रहा है ज़्यादा समय नहीं लगेगा आराम से हो जाएगा, इसमें ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा इसको निकालने में। मेन वाला जो पीछे है उसी में थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ये बोल्ट हो गया, ये आपका इसका वॉशर हो गया। दूसरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने यहाँ से खोल लिया आराम से, अब हमें जो है आप ये नीचे की तरह, नीचे मैं आपको ये एलर्जी जो दिख रही है ये कितने नंबर की है ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन ये बाइक के साथ आती है। तो फिलहाल इसको जो है मैं नीचे की तरफ लगाता हूँ, ये इस तरीके से लग गई, और देखते हैं किस तरफ ये खुलती है। तो फिलहाल फिलहाल मैंने ये एलंकी यहाँ पर लगा दी है, और इसका मुझे नंबर नहीं पता, लेकिन ये बाइक के साथ ही आती है दोनों चाबियाँ, और ये खुल गया है इसको। अब ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा, तो ये आप देख सकते हैं ये लूज़ हो गया है आराम से। तो लूज़ होने पे क्या है कि ये आराम से हमारा जो
ये वाला हिस्सा है, ये हमारा अभी बाहर आ जाएगा। मैं अभी इसको पीछे की तरफ हल्का हल्का चोट मारूँगा। ये देखो, ये आप देख सकते हैं आराम से जो है निकल रहा है। तो ये हमारा निकल गया है ऑलमोस्ट। तो फिलहाल अब हम इसको खोलेंगे। हमने ये वाला अपना लूज कर लिया है और इन दोनों इनको खोलेंगे हम। ये हमने खोल लिया है और इस तरीके से ये खुलेगा और ये हमारे दोनों बोर्ड्स जो है आराम से खुल गए। ये हमारा जो है आराम से ये वाला हिस्सा भी हमारा बाहर निकल गया और इसके बाद हमें जो है ये निकालना है। तो अभी मैं ये निकाल के दिखा रहा हूँ। थोड़ा इसमें आराम से चोट मारनी पड़ेगी क्योंकि अगर मैं ज़्यादा इसमें तेज चोट मारूँगा तो फिर ये आपका जो हमारा ये है ख़राब हो जाएगा। तो फिलहाल हमने अपना जो पहिया है उसको हम निकाल रहे हैं, निकाल के हम आपको दिखाएंगे। और एक और चीज़ मुझे बतानी थी, अगर ये मैं इसको निकाल दूंगा तो गाड़ी आगे की तरफ आ जाएगी, तो मैं इस पर जो है अपना एक कोई ईंट वगैरह लगा दूँ जिससे ये हवा में रहे। तो ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। इसको मुझे लगाने में पूरा करीब एक घंटा लगा था और मैं इसी में क्योंकि मैंने ये दूसरी बार लगाया है। पहले भी मैं जब लद्दाख गया था लास्ट ईयर तब भी मैंने ये अपना जो फ्रंट और रियर का जो टायर है इसको लगा के चेक करा था कि मैं अगर इनकेस कहीं पंचर हो जाए तो कहीं लगा पाऊँगा या नहीं लगा पाऊँगा। तो फ़िलहाल मैंने जो है दोबारा अपना टायर जो है लगा दिए हैं और मैं ये वीडियो जो है अभी जल्दी अपलोड करूँगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है हिमालयन आर्ट्स। जय भोले जी।